बेलीपार थाना क्षेत्र के कनैल कसिहार बंधे पर स्थित समय माता स्थान के समीप अधजली हुई 31 वर्षीय युवक का शव झाड़ी में फेंका हुआ बरामद हुआ। चरवाहों की सूचना पर बेलीपार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार की सुबह करीब 7 बजे चरवाहे अपने जानवरों को लेकर बंधे पर जा रहे थे। इसी बीच कसिहार कनैल रिंग बांध पर स्थित समय माता स्थान से कुछ दूरी पर करीब 31 वर्षीय एक युवक का पूरी तरह नग्न शव देखकर शोर मचाया, जिसकी सूचना पाकर बेलीपारा थाना प्रभारी राशिद खान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया है और यहां लाकर फेंक दिया गया है। शव से थोड़ी दूरी पर एक लॉक की हुई साइकिल गिरी मिली है, जिसमें एक थैला था। थैले में एक प्लास्टिक के टिफिन तथा कुछ कागजात मिले हैं, जिसमें एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड तथा श्रम कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान मऊ जनपद के जुड़नपुर निवासी जोखन चौहान के पुत्र उमेश चौहान के रूप में हुई है। साइकिल के पास से एक ब्लू कलर का लोअर तथा टी शर्ट का सफेद बनियान भी बरामद हुआ है। थैले में मऊ से गोरखपुर जाने का रेलवे टिकट भी मिला है। शव मिलने की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीओ प्रशाली गंगवार और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य बरामद किया। बेलीपार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, ये जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार के नईल गांव के बंधे के बगल में आज सुबह 7 से 8 के बीच में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो जली हुई अवस्था में बंधे के बगल में पड़ी हुई है। जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके का मुआयना किया गया, फॉरेंसिक टीम द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो बॉडी है उसी के बंधे के ऊपर जो संभवतः मृतक का साइकिल, उसके कपड़े और उसका मोबाइल फोन यहाँ से बरामद हुआ है। कपड़ों में से एक आई कार्ड है जिसमें उसका नाम उमेश और निवासी मऊ जनपद की जानकारी हुई, जिसको कि वेरीफाई किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा। जो आई कार्ड से जो हम लोगों को आइडेंटिटी अभी तक प्राप्त हुई है, उसके संबंध में परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। संपर्क करने के बाद और घटनास्थल के निरीक्षण से भी एविडेंस आए, उसके आधार पर अग्रिम की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो जो उनकी आई कार्ड मिला है उससे उनकी पहचान वेरीफाई हो जाएगी और दूसरा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना का एग्जैक्ट कारण या मृत्यु का एग्जैक्ट कारण क्या है, उसके बाद ही चीजें आगे स्पष्ट हो पाएंगी।